नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सौंदर्य शास्त्र। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सौंदर्य शास्त्र, जिसे हम एस्थेटिक्स भी कहते हैं। तो देखिए, एस्थेटिक्स जो कि मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द एस्थेटिकोस या एस्थेसिस से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय जनित अनुभूति, अर्थात सेंस परसेप्शन इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसके अंतर्गत मानव की प्रक्रियाओं का और उसकी अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका? तो आप लोग हेडिंग डालेंगे सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स। क्लियर? अब आप लोग यहां पर नोट करेंगे, एस्थेटिक्स मूल रूप से ग्रीक भाषा के शब्द एस्थेटिकोस या एस्थेसिस से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ हमने क्या बताया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय जनित अनुभूति, अर्थात सेंस परसेप्शन होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ इंद्रिय जनित अनुभूति एवं सेंस परसेप्शन होता है। इसके अंतर्गत मानव की प्रतिक्रियाओं का एवं उसकी अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव की अनुभूतियों एवं उसकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, क्लियर यहां तक? अब आप देखेंगे बामगार्टन, जिनको फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है, सौंदर्य शास्त्र का पिता कहा जाता है इन्हें, बामगार्टन को। तो बामगार्टन ने दर्शन शास्त्र से तीन विषयों को प्रतिस्थापित किया, जिसमें आएगा सौंदर्य शास्त्र, तर्क शास्त्र और नीति शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र जिसे हम बोलते हैं एस्थेटिक्स, तर्क शास्त्र जिसको बोलते हैं लॉजिक, और नीति शास्त्र जिसको बोलते हैं एथिक्स। ठीक, तो इन तीनों को इन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रतिस्थापित किया। तो आप लोग नोट करेंगे, इसमें बामगार्टन ने दर्शन शास्त्र में तीन विषयों को प्रतिस्थापित किया, जिसमें आप लोग देखेंगे, पहला आप लोग देखेंगे इसमें सौंदर्य शास्त्र, इसको क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स। ठीक, अगला आएगा तर्क शास्त्र, इसमें लिखेंगे लॉजिक। नेक्स्ट डालेंगे तीसरा नीति शास्त्र, इसमें आएगा एथिक्स। ठीक, यहां तक क्लियर है आप लोगों का? तो इसी में आप देखेंगे कि बामगार्टन ने सौंदर्य शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया और इस पर अध्ययन किया। इसी कारण बामगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का पिता कहा जाता है, या उनको फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है। तो आप लोग यहां पर इसमें नोट करेंगे कि बामगार्टन
गार्टन ने सौंदर्य शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया एवं सौंदर्य शास्त्र को बामगार्टन ने एक अध्ययन का स्वतंत्र विषय बनाया एवं सौंदर्य शास्त्र को अध्ययन का स्वतंत्र विषय बनाया। क्लियर? क्या किया? अध्ययन का इसको स्वतंत्र विषय बनाया। यहीं पे आप लोग देखेंगे कि इसीलिए बामगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का पिता कहा जाता है या फादर ऑफ एस्थेटिक्स इनको कहा जाता है। इसीलिए बामगार्टन को सौंदर्य का पिता या फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है। ठीक, तो यहां तक आप लोगों का आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे आप डालेंगे सौंदर्य के प्रकार। तो देखेंगे सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः तीन प्रकार के सौंदर्यों पर विचार किया जाता है, रूप सौंदर्य, रंग सौंदर्य और अभिव्यक्ति का सौंदर्य। तो ये तीन प्रकार के सौंदर्यों पर इस पर विचार किया गया है। तो आप यहां पे हेडिंग डालेंगे सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत तीन विषयों पर अध्ययन किया गया है। ठीक है, किया जाता है सौंदर्य के तीन विषयों पर। सबसे पहला आएगा रूप सौंदर्य, दूसरा रंग सौंदर्य एंड लास्ट आएगा इसमें अभिव्यक्ति का सौंदर्य। ठीक, ये तीन प्रकार के सौंदर्यों पर चर्चा की गई है। किसमें? सौंदर्य शास्त्र में। तो ये तीन विषय बने, तो इनको क्लियर है आपका, इनको नोट कीजिए। आगे आप लोग डालेंगे सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है। देखिए जो सौंदर्य शास्त्र है ये ललित कलाओं का दर्शन है। इसके माध्यम से अभिव्यक्ति के सौंदर्य एवं उसके रसास्वादन की चर्चाएं होती हैं। किसकी होती हैं? इसके माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य एवं उसके रसास्वादन की चर्चाएं होती हैं। तो इसे भी आप लोग नोट करेंगे। तो यहां डालेंगे सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है। यहीं पे डालेंगे इसके माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य एवं, ठीक है, इसके माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य एवं उसके रसास्वादन की चर्चा होती है। ठीक, यहां तक क्लियर?
तो ये आपको हमने बताया सौंदर्य शास्त्र के बारे में। अब हम जो अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे उसमें हम बताएंगे कि सौंदर्य शास्त्र के बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय दी है, उनके क्या क्या मत और विचार रहे, तो वो हम कल से अपना स्टार्ट करेंगे। पाश्चात्य जो विद्वान थे उन्होंने सौंदर्य शास्त्र पर क्या अपने विचार दिए, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं, आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।